सबसे पहले माँ भवानी के चरणों में नमन। विजय सम्राट, हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के चरणों में नमन। आज शिवसेना के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में कालू सिंह जी, जो वर्तमान में विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, शिवराज की सरकार के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने इनके साथ जो धोखा किया है, वास्तविकता में उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है। जब हमने कालू सिंह जी की बात देवाजी के थ्रू हमारे बीच में आई कि वो शिवसेना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम सभी लोगों ने ये तय किया और हमारे भाई को शिवसेना से एवी फॉर्म और टिकट दिया और इनको चुनाव के मैदान में उतार दिया। जैसा कि अभी मैंने सुना, बड़े गर्व की बात है कि हमारे विधायक महोदय ने, आप सभी लोग जो बेरोजगार हैं, किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000 और किसी को 7,000, ऐसे 1,100 लोग हैं जिनको यहाँ पे लगा रखा है। मैं शिवसेना की ओर से और मेरे जो साथी लोग आए उनकी ओर से तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और ताली बजा दूंगा। साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो पूरी ताकत के साथ काम कराना चाहती है। हमारी पार्टी का नियम है, पहले आवेदन, फिर निवेदन, और काम नहीं हुआ तो धनाधन। कार्यकर्ता जिनको इन्होंने साथ में रखा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि शिवसेना की तरफ कोई नजर उठा के देख ले। आप सब लोगों को, जो हमारे प्रत्याशी कालू सिंह जी शिवसेना के टिकट से मैदान में उतरे हैं, आप सब लोगों को गांव गांव जाकर इनके लिए प्रचार प्रसार करना है और भाजपा को और जो विधायक जो खड़ा हुआ है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और उसकी जमानत। साथियों, शिवसेना आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ है। मैं उद्धव जी से प्रार्थना करूंगा, आदित्य जी से प्रार्थना करूंगा और ऐसे कई हीरो हीरोइन है, अक्षय कुमार से लेके बड़े बड़े हीरो हीरोइन आपके यहाँ लाएंगे और मैदान में उतारेंगे और सभा कराएंगे। साथियों, इस बार कांग्रेस को और बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को आप देख चुके हैं, इनका भ्रष्टाचार, अत्याचार और इनकी मनमानी, दोनों विधायक बाहर के हैं, यहाँ के कोई भी नहीं है, दोनों विधायक, और ये दोनों विधायक आज वर्तमान में कालू सिंह जी यहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ के रहने वाले को अगर टिकट दिया गया है और शिवसेना ने दिया है, उन्होंने नकारा है, तो उन दोनों बाहर के लोगों को बाहर ही निकालना है, खकाल देना है और जिताना कालू सिंह जी को। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से सत्ता में है, केवल धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। राम के नाम से वोट लिए हैं, आज तक राम मंदिर नहीं बनाया है, मूर्ख बनाया है, बेवकूफ बनाया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी 18 तारीख को मुंबई के अंदर दशहरे की रैली थी, हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे ने उस दिन ऐलान किया कि 25 नवंबर को लाखों की संख्या में हमारे शिव सैनिक कूच करेंगे और राम मंदिर अगर कोई बनाने की ताकत रखती है तो सिर्फ एक ही पार्टी रखती है, वो शिवसेना है। आप करो तो नाश्ता करके मैं आधे घंटे मार रहा हूँ, है ना बेटो, चल गाड़ी पलटा दो, साइन कर क्या हुआ, दो बार तो साइन साथ हो, चलो कोई बात नहीं, इनको नाश्ता कराओ, सबके बोली कर लो। हाँ, तो मैं आप लोगों से
जो इन्होंने टीम बनाई है 1100 लोगों की, अब उनकी इज्जत का सवाल नहीं है, आपकी इज्जत का सवाल है कि उन्होंने निस्वार्थ होकर आपकी हमेशा सहायता की है। आपको पूरी जी जान लगा देना है, पूरी ताकत लगा देना है और इनको जिताना है। हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवसेना और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इनको जिता कर लेके आएंगे कालू सिंह जी को। यहाँ पे मेरे कई सरपंच भाई बैठे हैं, कई और लोग भी बैठे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कालू सिंह जी के साथ आना है और वोट दिलाकर उनको विजयी बनाना है। और उन्होंने तो शिवसेना ज्वाइन की है, आप सब भी सब कुछ छोड़कर शिवसेना को ज्वाइन कीजिए। शिवसेना पार्टी एक ऐसी है जो आवेदन निवेदन नहीं तो दना दन। तो साथियों, आने वाली 28 तारीख को वोट गिरना है, आप सभी लोगों को तन से मन से और धन से, हमारे विधायक महोदय ने कहा है और शिवसेना कहती है, आपकी जो भी परेशानी जो भी दिक्कत, हम कहते हैं कि शिवसेना सत्ता में हो या ना हो लेकिन काम कराने की ताकत पूरी रखती है, क्योंकि हम किसी ऑफिसर से किसी से डरते नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हम सत्ता में हो या नहीं हो, हमारा देवा भाई आपको जैसे कि बताया उसने कि रोज 4-5 केस में निपटाता हूँ, तो वास्तविकता में निपटाता हूँ। ये हमारे जीतू बाबा मध्य प्रदेश के उपराज्य प्रमुख हैं और पूरे डॉन हैं ये। मेरी बहन बबीता चौहान जो जिला प्रमुख है और आपके इस क्षेत्र में पीतमपुर में, इन्होंने कई महिलाओं के जो भी परेशानी थी, जिन्होंने लोन ले रखा था, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कराने वाली हमारी बबीता चौहान। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय संगठक गुलाब सिंह जी दुबे और मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख भाई थानेश्वर जी महावार और मैं मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी होने के नाते, हमने हमारे भाई कालू सिंह जी को शिवसेना से टिकट दिया है और पूरे तन से मन से और धन से हम सब लोग मिलकर इनको जिताएंगे। तो साथियों, एक बार अभी सभी 1100 जो लोग हैं आप उनके लिए काम करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, अब आपको समय आ गया है। पहले तो भाजपा थी लेकिन अब शिवसेना से मैदान में उतरे हैं और शिवसेना पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। आप जानते हैं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी रक्षा करने वाले अगर कोई इस पूरे हिंदुस्तान में थे तो वो माननीय बाला साहब ठाकरे थे। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ कि जब आतंकवादियों ने ऐलान किया था कि कोई भी व्यक्ति अमरनाथ यात्रा पर जाएगा उसको हम भून के रख देंगे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे। विपक्ष में अटल जी थे, आडवाणी जी थे, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे। और कई हमारे यहाँ ऐसी संस्था थी, आरएसएस थी, बीजेपी थी, सब लोग मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे लेकिन एक ही शेर महाराष्ट्र में मुंबई में माननीय बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने गरजते हुए डकारते हुए ये कहा कि अमरनाथ यात्रा पर जो भी यात्री जाएंगे उनके नाखून में भी अगर खरोच आ गई तो ये ध्यान रखना कि हज के लिए यहाँ से मुंबई से समुद्र में बैठ के जाना पड़ता है, पूरे जहाज को समुद्र के अंदर डाल दो। हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई की है, आप ऐसी पार्टी से हमारे कालू सिंह जी को टिकट मिला है तो निश्चित ही तौर पे आप ये समझिए कि हम पूरी विधानसभा को हिलाने की ताकत रखते हैं और अगर ये जाएंगे तो पूरी मध्य प्रदेश की शिवसेना, महाराष्ट्र की शिवसेना इनके साथ है, आपकी किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान करने की ताकत रखती है। धन्यवाद।